वेलकम टू यूनिकॉव स्कूल इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इस डेटिंग सॉफ्टवेयर से अगर आप लोग डेटिंग वेबसाइट क्रिएट किए हो तो इसका एक प्लगिन है स्वीपर प्लगिन तो ये जो प्लेगिन है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली गाइड आपको देने वाले हैं और प्रैक्टिकली कैसे के इंस्टॉल करते हैं वो आपको दिखाने वाला है इसका नाम है स्वीपर प्लैगिन ठीक है तो ये प्लैगिन को आप लोग अगर परचेस करना चाहते हो सिंगल में तो ये आप सिक्सटी नाइन डेजा में इसको परचेस कर सकते हो आ, इसके मदद से आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर रील सेक्शन ऐड कर सकते हो जैसे कि फेसबुक के अंदर है इंस्टाग्राम के अंदर है यूट्यूब के अंदर यूट्यूब शॉट है इस तरह का चीज़ें ऐड कर सकते हो स्वीपर प्लैगिन की मदद से यहाँ पर अगर स्क्रीन शॉट हम लोग देखेंगे तो इस तरह का स्क्रीन शॉट है और इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो ठीक है तो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो के अंदर यही हम लोग देखने वाले हैं इसको अगर आप लोग ब्लेंडर में रेड प्लगइन को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ से इसको परचेस कर सकते हो यहाँ पर एक प्लेगिन आपको मिलेगा और इसका प्राइस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो इसको मैंने परचेस किया है आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हो ये हम लोग परचेस किया है यहाँ पर एट प्लेगिन है और इसका लाइसेंस की भी हमारे पास है ठीक है तो ये जो प्लेगिन है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं चलिए देखते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इसके अंदर जाकर ये जो प्लेगिन है स्वीपर प्लेगिन इसको हम लोग अलग से लेकर आते हैं यहाँ पर देख सकते स्वीपर प्लेगिन इसको कॉपी करके हम लोग बाहर एड करते हैं ठीक है तो यहाँ पर बाहर आ चुका है अभी हम लोग इसको अनजिप करेंगे ये जिप फॉर्मेंट है तो यहाँ पर अनजिप करते हैं एक्स्ट्रक फाइल में क्लिक करके यहाँ पर अनजिप कर देते हैं तो ये हमारा अनजिप हो चुका है और इसके अंदर यहाँ पर दे सकते हैं ये सारा फाइल हमारा है तो ये सारा फाइल को हम लोग इंजस्टिंग करेंगे सबसे पहले हम लोग इसका जो एडमिन एरिया है उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर प्लग का जो करेंट स्टेटस है वो हम लोग देखेंगे स्वीपर प्लग का यहाँ पर थोड़ा तो सा अगर इसको डाउन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे अब जो स्वीपर प्लैगिन है वो कैसा दिखेगा यहाँ पर जैसे तो पेड प्लग है और यहाँ पर बाई नाउ ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तब तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर अभी बाई नाउ ऑप्शन दिख रहा है तो इसको इंस्टॉल करते हैं तो चलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग सी के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे जो सुपर प्लेन है इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर एस फाइल दिया हुआ है और यहाँ पर आपके इंस्टॉलेशन फाइल दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले मोबाइल सेक्शन के अंदर जाना होगा तो यहाँ पर पब्लिक स्ट्रीमिल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मोबाइल फोल्डर के अंदर जाते हैं और मोबाइल फोल्डर के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट मोबाइल होम और इसको हम लोग अपलोड करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट फिर से मोबाइल यहाँ पर होम और रील जो ये ऑप्शन है इसको हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और सिलेक्ट फाइल में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं यहाँ पर इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर अपलोड हो चुका है अभी हम लोग गो बैग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हमारे रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर और ये जो रिल डॉट पी एस पी इसको हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर और यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर जाते हैं और इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं तो अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं ओके यहाँ पर हम लोग इसको रिक्वेस्ट के अंदर इसको अपलोड कर देते हैं तो ये भी हमारा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा अपलोड हो चुका है अभी हम लोग यहाँ से भी बैक में क्लिक करेंगे और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर थिंक सेक्शन के अंदर और यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक एस्ट्रीम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर थिंक सेक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे सी एस एस के अंदर और यहाँ पर हम लोग सी एस एस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सी एस एस से हम लोग जाएंगे वेंडर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आ, देख सकते हो ये हमारा वेंडर ऑप्शन के अंदर आ हाँ चुके हैं और इस फाइल को अपलोड कर देंगे तो अपलोड में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल और फाइल को हम लोग अपलोड कर देते हैं तो फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर थीम सेक्शन में जाते हैं डिफॉल्ट और यहाँ पर सी और यहाँ पर हम लोग इस फाइल को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर यस में क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पर देख सकते हो लेआउट ऑप्शन के अंदर जाना है और रिल्स ऑप्शन के अंदर जाना है ठीक है तो हम लोग यहाँ से गोबैक में जाएंगे जाएँगे और गोबैग में आने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर लेआउट ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर जाते हैं डिफॉल्ट और यहाँ पर हम लोग लेआउट ऑप्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग रील्स ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डिफॉल्ट लेआउट ऑप्शन के अंदर रील्स और यहाँ पर देखते हैं रील्स कहाँ है यहाँ पर देखते हैं मे बी यहाँ पर रील्स ऑप्शन नहीं है तो हम लोग को ये क्रिएट करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर रील्स जो फोल्डर नेम से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर फोल्डर नेम करते हैं और यहाँ पर रील्स देखा यहाँ पर क्रिएट फोल्डर में क्लिक करते हैं ठीक है तो अभी हमारे यहाँ रील्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हम लोगों को जाना होगा यहाँ पर जैसे तो रील्स इसके अंदर जाना होगा और यहाँ पर यह जो फाइल है इसको अपलोड करना होगा तो यहाँ पर अपलोड में क्लिक करते हैं सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और हमारा जो यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर लेआउट ऑप्शन रील्स और इसको हम लोग अपलोड कर देंगे ठीक तो है तो ये हमारा अपलोड हो चुका है अभी गो बैग में, में जाते हैं और यहाँ पर प्लग इन सेक्शन में जाएंगे थीम सेक्शन के अंदर प्लॉग इन सेक्शन के अंदर जाएंगे यहाँ पर गो बैग में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे डायरेक्ट थीम सेक्शन के अंदर इसको हम लोग कट कर देते दे, हैं थीम सेक्शन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से प्लग इन सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोग पेज वा फाइल को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देते हैं सिलेक्ट फाइल में क्लिक कर देते हैं और लेआउट थिंक सेक्शन के अंदर जाकर प्लग से हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर यस yes में क्लिक कर देना तो ये अपलोड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे तो अपलोड हो चुका है गो बैग में क्लिक करेंगे तो सारा पैल हम लोग अपलोड कर दिया है अभी हम लोग हवा जो एस क्यू फाइल है उसको इनपुट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर एस क्यू फाइल है तो हम लोग हवा जो सी पेन मेन सी पेल है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर जाएंगे पी एस पी के अंदर और पी एस पी माई एटमिन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग डाटा बेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फाइल है इसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और हमारा जो फाइल है उसको हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर देखते हैं एस क्यूएल फाइल ओपन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट में क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा यहाँ पर सक्सेसफुली थोड़ा सा वेट करेंगे फाइल को ये इम्पोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद सारा सिजें हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो अभी अगर हम लोग हमारा जो एडमिन एरिया है इसके अंदर जाकर ये प्लग देखते हैं इसका सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर रिलेट करते हैं और रिलेट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कि हमारा ये सेटिंग ऑप्शन आ हा जाएगा हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्वीपर यहाँ पर ये हमारा एक्टिव हो चुका है और इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये एक्टिव हो चुका है अभी इसका जो होम पेज है इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर तो हमारा जो ये रील्स ऑप्शन है ये यहाँ पर ऐड हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो रील्स ऑप्शन ऐड हो चुका है और यहाँ से आप लोग अपडोट में क्लिक करके आपका जो रील्स है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप लोग बेसिकली ये जो प्लैिन है इसको इंस्टॉल कर सकते हो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिग्रेड यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए थैंक्स